वो अपने काम में बिजी रहेगा, हम लोग अभी देखेगा। तो आप बेरोजगारी है, गुस्सा नहीं रहेंगे, गुस्सा तुम पहले से है, अभी भी रहेंगे। हाँ, ये दोनों लोकल आएंगे तो फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। ये है बहुत अच्छे की, बहुत सौभाग्य की बात होगा नवादा के लिए। तो कह रहे कुछ नहीं किया, वो केवल ठग कर वोट लिया रजवार समाज से। डाक पासवान भी जाएंगे, वो तलवा चाटने वाले लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी का जितने भी है सब है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान सांसद चंदन सिंह अभी तक जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत खराब है, कुछ नहीं किया। क्या बात कर, कुछ तो नहीं किया, बताइए कागो उसका काम, ये कागो काम चंदन सिंह के बताइए ना। तो आप वोट दिए हैं तो आपने बताइएगा। हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया, वो केवल ठग कर वोट लिया रजवार समाज से। इस बार मोदी जी का वोट पड़ने वाला कोई दलित नहीं देगा, न आदिवासी देगा, न ओबीसी देगा, हर हाल में नहीं देगा। इसके तो दलित की बात कर रहे हैं कि मोदी बीजेपी को वोट नहीं करेगी। हाँ, नहीं करेगी। चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान भी जाएंगे, वो तलवा चाटने वाले लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी का जितने भी है सब। अच्छा, हाँ, तलवा चाटने वाले है, चिराग पासवान हो चाहे फिराग पासवान हो, सब तलवा चाटने वाले लोग हैं मोदी जी का। चिराग पासवान का कर्म हो जाना चाहिए। एक मणिपुर में एक दलित का बेटी का नंगे घुराया, वो कुर्सी पर बैठा हुआ, उसको तो शर्म हो जाना चाहिए अगर दलित के हैसियत से। द्रौपदी मुर्मू जी थी सांसद उद्घाटन में, उसको उद्घाटन करने में न्योता नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आज जो जी शेखर 20 चल रहा है उसमें भी न्योता नहीं दिया। इससे ज़्यादा वो सब जितने भी दलित के नेता है यहाँ 131 MP है, सब मोदी जी का तलवा चाटने वाले हैं। मतलब आपका कहना है कि दलित नेता जो है वो मोदी जी के तलवा चाटने वाले हैं, उसका दलाल है, पिठलग्गू है, वो केवल अपना रोटी सेकने पड़ते, हमारी गरीबों का पेट भरने वाला उन लोग नहीं है। फिर भी तो दलित समाज उनके लिए खड़ा है। हाँ, खड़ा है तो जाएगा, मरेगा उन लोग जो खड़ा है। आज बेरोजगारी का आलम देखिए, भुखमरी का आलम देखिए, महंगाई का आलम देखिए, चाहिए काम करिंदा, वैसा बात नहीं, मुल्क सबका है। ये बात नहीं केवल नवादे में पैदा हुआ तो नवादे का बेटा होना चाहिए, सो बात नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो वह चुनाव लड़ेगा, लेकिन हाँ कर्मठ होना चाहिए, ऐसा बाहरी भीतरी कोई बात नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं बाहरी भीतरी, अभी एकदम चर्चा का विषय है कि नवादा लोकसभा का अगर सर्वांगीण विकास चाहिए तो नवादा का लाल और नवादा का बेटा होना चाहिए। क्या होगा सर्वा, उसका कर्मठ नहीं रहेगा तो कर देगा वो क्या, नवादे का रहेगा वो नहीं करेगा तो क्या कर देगा। क्षेत्र का तो MP है, विधायक है यहाँ के, क्या किया दलितों के लिए? प्रकाश भी रहे ना जी रजौली का, क्या किया का वो काम किया? वो सब देखिए बाहरी भीतरी के नहीं, हमें कर्मठ नेता चाहिए। कहाँ के हैं? बसुहार के, मतलब नवादा जिले के। नवादा जिले के वर्तमान सांसद कौन है? चंदन सिंह, देखें कभी ना उसको? देखें ना, क्या देखेंगे, क्या बात करते हैं। चंदन सिंह नवादा लोकसभा के सांसद हैं। हाँ भाई, ये आप कैसे कह दीजिए? कैसे कहते हैं, जो जीत के अभी तक आया नहीं है। वो अलग बात है, जीत के नहीं आए, काम में व्यस्त होंगे। कम से जिताया कौन? जनता लो देखना उसका काम क्या, जनता ना वो अपने काम में बिजी रहेगा, हम लोग अभी देखेगा। तो आप जो है ना ये बात यूज नहीं कर सकते हैं। कहे नहीं कर सकते हैं, हम लोग मेहनत से जाके वोट देते हैं, अगर बम पटक देगा सब मर जाएगा, वो जीत के कुर्सी पर आराम करेगा, दे देगा जाओ सरकार के तरफ से। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में रहे करेंगे ना, हम लोग अनशिक्षित है, बेरोजगारी है, गुस्से में नहीं रहेंगे, गुस्सा तो पहले से है अभी भी रहेंगे। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे तो हैं, अंगूठा छाप। सच बताइए ना, क्योंकि फिर बात होगी। हाँ, तो एजुकेशन किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। हाँ जी, तो दूर की बात है, मेरे कुणाल जी चेयरमैन हो गए 15 साल जी, मेरे यहीं कास्ट का है, आज तक कोई नहीं आया देखने के लिए, हम तब तो बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि नवादा लोकसभा के सांसद, नवादा लोकसभा के सांसद और अन्य प्रतिनिधि क्या है, अन्य प्रतिनिधि लोग भी इस तरह का वर्ड यूज नहीं करेंगे कैसे? आज तक एक मिनट रखिए, आज तक नवादा जिला में आपको चेयरमैन साहब अपना हो और जो भी है, जो जीत के जाता, माननीय विधायक वीर प्रकाश चौधरी जो है वो भी गए वही है, आज तक उन्हें उसी दिन आते हैं जब भूख लगता है उनको। हाँ, आज तक 15 साल कुणाल रजवार को हुआ जीता हुआ चेयरमैन में। हम चेयरमैन की बात नहीं कर रहे हैं, लोकसभा सांसद चंदन, हम जब हम छोटे नहीं देख पाए तो बड़े लोग के क्या देखेंगे? लोकसभा पे आइए ना, फिर अब जाएंगे नीतीश कुमार के, आप देखेंगे उभरे उभरे आता है, लोकसभा पे आइए, लोकसभा पर कहाँ जाएंगे, एक मुखिया तो देखे नहीं पाते हैं, उतना दूर कहाँ पाएंगे जाएंगे।
आपका कहने का मतलब है कि जनप्रतिनिधि काम नहीं करते, फाइनली यही ना? बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिस्टर कुमार हुआ। इनका इतना दर्द है ना, इतना उतावला में बात की है पूरे जनप्रतिनिधि पे, एक खराब जनता पे, पूरा जनता पे साथ है, साथ लेके चलेंगे जनता को। लेकिन फिर भी जो है ये शब्दों का जो चयन किए हैं मेरे हिसाब से वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका गुस्सा जो निकल के जो आ रहा है सामने, तो जनप्रतिनिधि चेयरमैन बैठे हुए उनसे जाके पूछिए अभी भी पूछिए कि आपका इन्वाइट किया गया था हरजन समाज के नाम पे, एक बार जरा देखे, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, लगता है कहाँ गाड़ी उसका पंचर हो गया कि क्या हुआ भगवान जाने। आपको पता है कुणाल जी पहुँचे हुए हैं? बस पहुँचे हुए हैं, अभी भी उनको बोले ना, आपके सामने भी बोले मीडिया वाला कि बात करते हैं, जाके बोलिएगा हम यहाँ पर खड़े हैं। इस तरह का बात का चयन नहीं कीजिए, नहीं करेंगे कैसे, जब हमको दुख में नहीं साथ देगा तो सुख में आके क्या करेगा, हमको जब दुख में नहीं साथ देगा तो सुख में आके क्या करेगा, एक आंख में आंसू एक आंख में काजल।